प्यार से बुलाया शिवम आया। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को किसी प्रवचन की। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन चलने वाले, तो आप लोग भी वोट देने वाले ही हो, बहुत ज्यादा बेताब हो गए वोट देने के लिए। लेकिन सुरक्षा का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि कोविड का नया वेरिएंट आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मास्क है और हम देखेंगे कि आखिर कौन सा मास्क जो है जो कि आपको कोरोना से बचा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये N95 का क्या कहते हैं बहरूपिया है, और ये हमारे पास कुछ कपड़े के भी मास्क हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कपड़े का मास्क, और ये अपना नॉर्मल वो जो डॉक्टर लोग ज्यादातर यूज करते हैं, तो वो वाला मास्क। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन ज्यादा बेहतर है, कौन ज्यादा अच्छी तरह से आपकी जान बचा सकता है कोरोना से। तो उसके लिए हम इस मोमबत्ती का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम इनमें से कोई सा भी एक मास्क पहनते, तो ये N95 का जो हम सकल है, मतलब कि जो बहरूपिया, इसको पहले पहन लेते हैं, देखते हैं। तो ये हमने इसको पहन लिया और बाकी के मास्क हम रख लेते हैं जेब में। और दोस्तों यहाँ पे ये मोमबत्ती हम जलाने जा रहे हैं, ये को बुता के देखेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये टूट गई, तो ये मास्क हमारा फेल हो गया। तो इसको हम हटा देंगे। ला ये आप देख सकते हैं, ये वाला मास्क है हमारे पास अगला। तो इसको हम अच्छे से पहले पहन लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ढीला है, तो इसको हमको थोड़ा डबल करके पहनना पड़ेगा, जुगाड़ वाला मास्क। तो दोस्तों ये हमने इसको अड़सा लिया जैसे तैसे करके। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने इसको अड़सा लिया है दोस्तों, और ये अच्छे से फिट हो चुका है। और अब हम इसको भी, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने माचिस को रोक रखा है, अब इसको फूंक के देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो मास्क है ये आपका एकदम सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल बेकार है। वो मास्क जो हमने पहला मास्क यूज किया था उसमें आपकी थोड़ा समय लगा मोमबत्ती को बुझने में, लेकिन इस मास्क से तुरंत, मतलब पहनने या ना पहनने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों इसको। तो इसको भी हम फेंक देते हैं। अब हमारे पास हमारी आखिरी उम्मीद बची हुई है, तो हम इसको पहन लेते हैं। ये कपड़े का मास्क है दोस्तों, तो हमने इसको पहन लिया। फिर तभी आप देख सकते हैं ये मोमबत्ती जल गई, इसको हवा से बचाना पड़ेगा ताकि हम इसे बुता सकें। हाँ। तो अभी हम ये मास्क पहन लेते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मोमबत्ती हवा से बुती। हाँ। ये मास्क दोस्तों आपका बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए। ये जो कपड़े वाला मास्क है दोस्तों, ये डबल लेयर है, और ये आपका देख सकते हो, ये आपका बहुत सुरक्षित मास्क है, ये N95 का हमशक्ल। और ये आपको जो सरकारी दफ्तरों में मिल जाता है आमतौर पर, जो आपको मिलेगा इलेक्शन में जाने के लिए, ये आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन ये मास्क आपकी जिंदगी को बचा सकता है। बाकी आप कोई सा भी मास्क पहनिए, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। तो बस दोस्तों यही थी एक छोटी सी वीडियो, जिसमें हम ये पता लगाना चाहते थे कि आखिर कौन सा मास्क सही से काम करता है और कौन सा मास्क आपको नहीं पहनना चाहिए। तो हमें पता चला कि ये सारे मास्क आपको नहीं पहनना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इसकी भी प्राइस वही है, ये जो नकली आप N95 देख रहे हैं, इसकी प्राइस वही है दोस्तों जो प्राइस इसकी है, मतलब पूरे 25 रुपये का ये भी है, 25 रुपये का ये भी है। तो आपको अपनी जगह पे मिल जाएगा। तो आपको ऐसा मास्क लेना चाहिए जो कि कपड़े का बना हो, ये नकली N95 के मोह में मत जाइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपने नकली N95 भी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके मुंह में तो बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ये एकदम बेकार मास्क है। इसे पहनना ना पहनना बिल्कुल बराबर है, इसके जगह आप बल्कि गमछा लपेट सकते हैं अपने मुंह पे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों, और दिल खोल के वोट दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, और इस चैनल को भी आप वोट करके, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसी महंगी वीडियो के लिए आप इस चैनल पर कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो ये एक छोटी सी जानकारी वाली वीडियो हमने बनाई, आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं।